नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक जनरल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और ये एक बच्चे की क्वेरी है कि सर जीएसटी का काम मुझे करना है। ठीक है, मेरे पास हमारी कंपनी में कंसल्टेंट भी हैं। कंसल्टेंट जनरली हायर करते हैं कंपनी वाले सीए को। सीएलओ का काम क्या होता है? वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो सर मुझे अब सीए को डाटा प्रोवाइड करना है जीएसटी रिटर्न के लिए। ओके, तो क्या इशू है? तो सर GSTR-1 एक डाटा ये है कि GSTR-1 के लिए डाटा बनाना है। तो दोस्तों जो ये GSTR-1 है उसमें आप कौन सा डाटा देते हो? सेल का। सेल मतलब कि कंपनी ने कितने इनवॉइस रेज किए हैं सेल के, तो आप उसका एक एक्सेल में डाटा बना दोगे कि ये मेरे इनवॉइस नंबर है, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है, इस पे ये टैक्स लग गया, इस पे ये टैक्स लग गया और टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस ये है, ये मेरे कस्टमर हैं, इस कस्टमर का जीएसटी नंबर ये है। अब ये जो डाटा आप बना रहे हो ना, ये कहाँ से बना रहे हो और क्यों इतने ही सारा डाटा दे रहे हो? क्योंकि जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, जो GSTR-1 फाइल करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट के पोर्टल पे या जीएसटी के पोर्टल पे जाके जो हम लॉगिन करते हैं, तो GSTR-1 का जो विंडो ओपन होता है उसमें यही सारे इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है, इसीलिए वो आपसे वो डाटा मांग रहा है। तब सोचो, अब एक अकाउंटेंट अगर वो सेल की एंट्री सही से नहीं करेगा, टैक्स की एंट्री सही से नहीं करेगा, तो वो डाटा कहाँ से बना लेगा? भाई डाटा तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकलेगा ना, अगर आपने सारी सेल चढ़ाई है अच्छे से, अगर आपने सारे सेल वेरीफाई कर लिए, सारे इनवॉइसेस बिल्कुल ठीक बने हैं, उसकी एंट्री आपने ठीक कर दी, तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डाटा भी बन जाएगा और GSTR-1 में आपको पता चल जाता है कि मेरी आउटपुट जो टैक्स है, जैसे मान लेते हैं कि सारा सेल का डाटा बना लिया, सारे इन्वॉइसेस लिख लिए, सारे कस्टमर का नाम लिख लिया, सबका जीएसटी नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, उसका जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी लगा, और निकल के आ गया कि भाई मेरी टोटल सेल है इस मंथ की 10 करोड़ की और मेरी जो लायबिलिटी आ रही है वो 18 लाख की आ रही है। मान लेते हैं 18 लाख सीजीएसटी, 18 लाख एसजीएसटी और आईजीएसटी भी आ रही है, मान लो कि 36 लाख की, ये सारी लायबिलिटी निकल गई और वही डाटा वो क्या करेगा, एक सीए पोर्टल पे जाके फीड कर देगा। तो जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेगा और डाटा को वो क्या कर देगा, फीड कर देगा और फिर फाइल कर देगा। तो ये क्लियर है, GSTR-1 में यही होता है। और क्या है यार, अगर आप सेल की अकाउंटिंग अच्छे से कर रहे हो, उसको आप एक्सेल में डाटा बना सकते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट ही तो करना है, वो अगर आप कर सकते हो तो आपको GSTR-1 आता है, मतलब GSTR-1 का डाटा बना सकते हो। अब GSTR-1 में जब डाटा बना लिया तो फिर पोर्टल पे जाके फीड करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो कोई बंदा बिना कॉमर्स के पढ़े, जिसको टैक्स की नॉलेज भी नहीं, जिसको टैक्स का टी भी नहीं पता ना, वो भी जाके उस पोर्टल पे भर देगा? एक सॉफ्टवेयर ही तो चलाना है, एक पोर्टल पे काम ही तो करना है। लेकिन सेल का डाटा बनाना, सेल की अकाउंटिंग करनी, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसका डाटा बनना चाहिए अच्छे से, और फिर आपने इतना कर लिया, फिर तो पोर्टल पे मैं अभी के अभी 5 मिनट में सिखा दूं पोर्टल पे डाटा को फीड कैसे करते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको 5 मिनट में ये नहीं सिखा सकता कि सेल की सारी एंट्री कैसे कर लेते हैं, सेल का सारा एक्सपोर्ट डाटा बना कैसे लेते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, महीने में हर दिन 10-10 5-5 इनवॉइस कट रहे हैं, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बंदों से कलेक्ट करना पड़ेगा, बंदों से कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये इनवॉइसेस सही है ना, ये इनवॉइसेस कस्टमर को दे दिए है ना। यही वो काम है ना जो एक अकाउंटेंट वहां जाके करेगा डेडिकेटली, अकाउंटेबिलिटी, उसको जिम्मेदारी होती है ये सब करने की यार, तभी तो उसको 30 दिन जाना है ऑफिस में। और सीए क्या करता है, महीने में एक दिन आके भी वो GSTR-1 भर देगा, क्योंकि उसको पता है अकाउंटेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया हुआ है। लेकिन अगर सीए जाता है किसी ऑफिस में, अकाउंटेंट ने अभी तक सेल ही नहीं चढ़ाए, अभी तक इनवॉइसेस ही कलेक्ट नहीं किए उन लोगों से, तो बस की नहीं है उसके कि वो GSTR-1 भर दे, समझ रहे हो? तो ये मत सोचो कि डाटा फीडिंग ऑन द पोर्टल इज द मेन जॉब टू डू टैक्स वर्क, द मेन जॉब इज टू प्रिपेयर डाटा, हाउ टू प्रिपेयर GSTR-1 डाटा, दैट इज द प्रोसेस टू फाइल GSTR-1। द इनिशियल वर्क इज टू पास टू बुक ऑल ऑफ द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ
बुकिंग ऑफ सेल्स एंट्रीज, बुकिंग ऑफ सेल्स इनवॉइसेज इन योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज द मेन जॉब फॉर GSTR-1. आई होप इट इज क्लियर नाउ. क्या ये सही है? ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं. सर यार ये तो हो गया, सेल चढ़ा दिए, तो दोस्तों GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल और परचेज दो की ही कहानी है. सेल GSTR-1 है और परचेज GSTR-3 भी है. अब देखो सेल जनरली सेल के इनवॉइसेस कम होते हैं. परचेज हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हो सकता है 1000 परचेज कर रहे हूँ, हो सकता है 5000 परचेज कर रहे हूँ, हमारे पास 5000 परचेज के इनवॉइसेज हों, तो वहाँ तो एक एक इनवॉइसेज को कैसे करेंगे, कन्फ्यूजन हो सकती है, या एक एक इनवॉइसेज को अपलोड करना बहुत मुश्किल होगा, है ना. तो इसीलिए उन्होंने बोला देखो भैया परचेज को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, परचेज इनवॉइसेज को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है. देखो भैया क्यों नहीं है मैं वो भी बता देता हूँ. भाई GSTR-1 में आपने अपनी सेल चढ़ा दी, मतलब सेल की रिटर्न फाइल कर दी, ऐसे ही सभी बंदों ने सेल की रिटर्न फाइल कर दी होगी, है ना. तो जब सब ने अपनी अपनी सेल की रिटर्न फाइल कर दी, इट मींस कि अगर आपने जिन लोगों से परचेज किया उन्होंने भी अपनी सेल चढ़ा दी, तो आपके अकाउंट में GST का सिस्टम ही ऐसा है कि आप जब पोर्टल को लॉग इन करोगे तो आपके अकाउंट में पहले से ही वो परचेज फिलअप होके आ जाएगा, क्योंकि सबने अपनी अपनी GSTR-1 की रिटर्न भर दी है. अब काम आता है इसकी रिकंसिलेशन का. सपोज करो आप GST पोर्टल पे गए, आपने वहां से परचेज रिपोर्ट या फिर 2A कहते हैं, GSTR-2A या फिर अब 2B हो गई है, वो रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया इस मंथ का, उसमें सारी डिटेल होती है. आपका निकला कि यार मैंने इस पूरे मंथ में 5 करोड़ की परचेज की है, जिसपे मान लेते 50 लाख का इनपुट है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बुक्स देख रहा हूं, बुक्स में तो सिर्फ 3 करोड़ की परचेज आ रही है और इनपुट भी सिर्फ 30 लाख ही है. ओहो फिर तो गड़बड़ी है भाई. फिर आ जाता है वो वर्ड जो आपको सपने में डराता है, वो कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, रिकंसिलेशन. अब रिकंसिलेशन करो अपने लेजर्स को और अपने उस 2B को, और फिर आप पता लगाओगे क्या कि यार ये वो परचेज इनवॉइसेज हैं जो बंदों से हमारे अभी अकाउंट डिपार्टमेंट में आए नहीं है, हमने ये चढ़ाए नहीं है, हमें ये चढ़ाने होंगे, ये डिफरेंसेज है. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बना दोगे कि ये वो बिल्स हैं जिसको एक अकाउंटेंट ने या अकाउंट्स में अभी तक चढ़े नहीं है. अब वो क्यों नहीं चढ़े उसका रीजन फाइंड अप करो, उसके पीछे पढ़ो, उसका प्रोसेस, उसकी रिपोर्टिंग करो, मैनेजर्स को बताओ, परचेज मैनेजर को शोर मचा मचा के बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पास इनपुट ही कम आ रहा है, मेरी तो लाइबिलिटी आउटपुट लाइबिलिटी आ गई है 6 करोड़ की, मेरा 5 करोड़ का तो इनपुट मेरे पोर्टल पे दिखा रहा है लेकिन मेरी बुक्स बता रही है सिर्फ 3 करोड़, तो मैं 3 करोड़ की अपनी जेब से भर दूं, टैक्स तुम लोगों की गलती की वजह से, परचेज वालों की गलती की वजह से, अकाउंट्स में जब बिल ही नहीं आया तो बिल एंट्री कहां से होगी, समझ रहे हो. परचेज वालों को क्या पता यार उन्होंने बिल नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट को तो पता है कि अगर बिल नहीं दोगे तो परचेज की एंट्री नहीं होगी, परचेज की एंट्री नहीं होगी तो इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, इनपुट क्लेम नहीं करेंगे तो ज्यादा का टैक्स जमा हो जाएगा, और ज्यादा टैक्स जमा हो जाएगा तो कल होगी तुम्हारी सैलरी भी रुक जाएगी, क्योंकि कंपनी में पैसे ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे पैसे. कितना लिंक है यार, एक छोटी सी चीज से क्या क्या लिंक है, ठीक है. और एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जिसको यह भी पता हो कि परचेज मैनेजर क्या कर रहा है, एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो ये पता हो इसको फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, एक अच्छा अकाउंटेंट वो भी पता है कि बिलिंग मैनेजर क्या कर रहा है, गेट पे गार्ड ने सारे बिल ऑथराइज किए नहीं कि वो भी चेक कर ले एक अकाउंटेंट, और वही अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर बना है और कल होके वो बंदा CFO भी बन जाएगा, क्योंकि उसको हर जगह समझ आ गई है, बिजनेस मॉडल उसको समझ में आ गया है. लेकिन एक परचेज मैनेजर तो सिर्फ परचेज की बात करेगा, उसको नहीं पता तुम्हारे लेजर में क्या हो गया, उसको नहीं पता तुम्हारे अकाउंट में क्या हो गया, उसको तो भैया माल खरीदवा लिया और माल की पेमेंट के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, भाई मेरे इस वेंडर को पैसा दे दे, मेरे इस वेंडर को पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, बस कहानी खत्म. आई बात समझ में? तो GSTR-3B का डाटा तभी आपका करेक्ट होगा जब आपके सारे परचेज की एंट्री चढ़ जाएंगी. लेकिन अब सर ऐसे आपने बताया GSTR-1 में हर एक इनवॉइस की एंट्री होती है, लेकिन GSTR-3B में जब हम GSTR-3B पे जाते हैं तो वहाँ बस समरी में इंफॉर्मेशन आती है कि ये तुम्हारा टोटल परचेज है, ये तुम्हारी इनपुट है, ये तुम्हारी इनपुट है, ये तुम्हारी इनपुट है, ये परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू क्या टैक्सेबल वैल्यू हो सकती है, ये तुम्हारा CGST, ये SGST, ये IGST, बस ये इनपुट है, वहाँ पे आप आउटपुट की लाइबिलिटी डाल दोगे और नेट आ जाएगा टैक्स डिपॉजिट इतना करना है. मतलब GSTR-3B के सारे
इनपुट माइनस आउटपुट लाइबिलिटी, इनपुट माइनस आउटपुट लाइबिलिटी के बाद ही पेमेंट की लाइबिलिटी निकलती है। अगर कोई बंदा, अगर आपका सीए बोल रहा है ना कि भाई इतने की पेमेंट करा दे जीएसटी की, इसका मतलब वो बंदा इनपुट भी ले चुका है, उसने आपके जीएसटी R1 से जो आउटपुट लाइबिलिटी आई थी वो घटा चुका है, और उसके बाद नेट लाइबिलिटी वो बता रहा है, मतलब आउटपुट में से इनपुट घटा चुका है फिर नेट लाइबिलिटी निकाल के आपको बता रहा है। जैसे पेमेंट कर दोगे GSTR-3 भी फाइल हो जाएगी, बिना पेमेंट के GSTR-3 भी फाइल नहीं होती है, याद रखना। अगर किसी सीए ने या किसी कंसल्टेंट ने अगर आपसे पेमेंट नहीं कराई तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी 3 भी नहीं गई है, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई आउटपुट लाइबिलिटी मेरी कम है और इनपुट ज्यादा है इसलिए पेमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ी इस बार है। तो दोस्तों कोई भी चीज में रटने की जरूरत नहीं है, ये H2O फॉर्मूला है वाटर का, ये रट लिया, ऐसा नहीं है अकाउंट्स में। अकाउंट्स बहुत मजेदार चीज है, हर चीज पे, इंफॉर्मेशन पे, डाटा पे डिसीजन चेंज हो सकते हैं, आप रट नहीं सकते किसी को। एनालिटिकल स्किल जो बंदा जितना लगाएगा वो बंदा उतने ही आगे जाएगा अपने करियर में, उतने ही कॉन्फिडेंट होके बात कर पाएगा किसी से भी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, किसी से भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। अब देखो जीएसटी में कौन कौन से रिकंसिलेशन का काम आ जाता है, सेल रिकंसाइल करना, परचेज रिकंसिलेशन करना, है ना, परचेज में फिर इनपुट रिकंसिलेशन अपने आप ही उसी से हो जाता है, इनपुट रिकंसिलेशन कर लेना, आउटपुट लाइबिलिटी रिकंसिलेशन, जब सेल ही रिकंसाइल कर दिया तो आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी रिकंसिलेशन हो जाएगी, तो बहुत सारे रिकंसिलेशन तो इसी में आ जाते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में एक जॉब है, जो बंदा जीएसटी का ही काम देखता है वो सेल रिकंसिलेशन भी बनाता है, परचेज रिकंसिलेशन बनाता है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की रिकंसिलेशन कर लेता है, इनपुट टैक्स की रिकंसिलेशन कर लेता है, खत्म। उसने अपने बस जीएसटी का काम देखने के ले रहा है 40-50 हज़ार रुपये, क्लियर है? तो अभी भी कोई डाउट है? अगर नहीं है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।